नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल पालक ग्रेवी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे पालक, मैंने पिसा हुआ दो पालक लिया है, उसके अंदर मैंने दो मिर्ची डाली हुई है, हरी मिर्च, और आप इसमें दो हरी मिर्च और दो पालक डाल के अच्छे से इसका पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी पीस दिया, इसके अंदर मैंने डाला है यहाँ पे नमक, कांदा, लहसुन, मसाला लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, और यहाँ पे मैंने लिया है लाल तीखा कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इसमें मैंने लिया है 1 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए बारीक, और यहाँ पे पानी लिया है और ये कढ़ाई है। तो गाइज हम पहले गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को हम हाई लेवल पे रख देंगे। तो अभी हम इसके अंदर तेल डालेंगे 2 टेबलस्पून और कढ़ाई को गरम करने रख देंगे और फ्लेम हम हाई पे ही रखेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, इसको हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक प्याज ब्राउन कलर नहीं देता और तेल नहीं छोड़ता। जब तेल छूटने लगेगा तो प्याज पक जाएगा और ब्राउनिश कलर हो जाएगा, तो हम उसको अच्छे से पकाएंगे प्याज को। तो दोस्तों अभी हमारा प्याज ट्रांसल्यूसेंट कलर का हो रहा है धीरे धीरे। तो ट्रांसलूसेंट कलर का हो चुका है हमारा ये प्याज, इसके अंदर हम डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला, आप चाहे तो ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं, मैंने इसमें डाला है, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला और तेल छोड़ नहीं देता, तब तक हमको अच्छे से पकाना है। अभी ये मसाला तेल छोड़ने लगा है, अब हम गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे ताकि मसाला जल ना जाए, और इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई पालक की पेस्ट या प्यूरी। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, हल्के हाथों से आपको हिलाना है, इसको 20 से 25 मिनट तक आपको पकाने रख देना है। तो मैं अभी बची हुई प्यूरी के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको हिला के अच्छे से डाल रही हूँ पेस्ट उसका बचा हुआ कढ़ाई में। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, अब
अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढकने रख दे रहे हैं मीडियम गैस पे। तो अब हम इसको ढक के पका रहे हैं 20 से 25 मिनट। अब देखते हैं कि हमारा पालक की सब्जी बनी है कि नहीं। तो अब हम चेक करते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं तो मैं अभी निकाल रही हूँ लिड। तो अब हम देख रहे हैं कि पालक अच्छे से पक चुकी है, उसमें उबाल आना चालू हो गया। अब हम अच्छे से इसको मिलाएंगे तो पालक बहुत ही गाढ़ा हो गया है। तो अभी हमारी सब्जी बंद हुई, मैंने गैस ऑफ किया। अब हम इसको निकालेंगे कटोरी में। तो मैंने यहाँ पे कटोरी में सब्जी निकाल ली है, इसके ऊपर आप बटर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिर्ची डाली है। अब इसको मस्त डेकोरेट करके नान, पालक नान के साथ खाएंगे, या फिर पराठे पालक की सब्जी खा सकते हैं, या फिर आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये आपको डिश कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय।